एवरीवन, कॉनिचीवा एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है सैटरडे। सैटरडे होता है बहुत मॉमी का रिलैक्सिंग डे। वायु देखिए क्या मस्ती से नीचे आराम कर रहा है। आज का वेदर बहुत ठंडा है। एक्चुअली मैंने आपको कल बताया था कि आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आज का वो वाला इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि वेदर आज थोड़ा ठंडा है, इसलिए हम वायु को बाहर नहीं ले जाएंगे। चलिए बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। ठंडे मौसम में अदरक वाली गरम गरम चाय और बर्तन वही गंदे पड़े हुए। तो मौसम देख लीजिए, आज है ठंडा। ओ यहाँ पर ठंड नहीं जा रही है गाइस, और सुनने में आ रहा है कि इंडिया में बहुत गर्मी है। बारिश हो रही है क्या? हाँ, इट्स रेनिंग। वेरी प्लीजेंट वेदर। हो भाई पीछे से चिल्ला रहा है। क्या कह रहे हो? आ जाओ यहीं पी लो। क्या हुआ बट्टू? एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपको हो ही गया। तो अब मैं आई हूँ डाइसो। मैंने आपको बताया था डाइसो और कैंडी, यहाँ दो ऐसे स्टोर हैं जहाँ होम से रिलेटेड सारे सामान मिलते हैं और कुछ गिफ्ट आइटम भी मिलते हैं। तो मैं वही जाई हूँ। देखिए मेरे पीछे डाइसो। तो चलो आज आपको डाइसो का टूर करा देती हूँ। मैंने क्या लिया है ये तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है। और गाइस डाइसो में आ चुकी हूँ, डाइसो के सामने खड़ी हूँ। तो यहाँ पे घर से रिलेटेड सारे सामान मिलते हैं जो घर में यूज़ होते हैं, और कुछ गिफ्ट आइटम भी मिलते हैं। तो चलिए आपको शॉर्ट में यहाँ का एक टूर करा देती हूँ। और मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी, यहाँ नहीं दिखाऊँगी, वो मैं दिखाऊँगी आपकी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग भी देख लीजिएगा कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है। और ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ स्पेशल मिलता है जो अपने इंडिया में नहीं मिलता। इंडिया में अब हर चीज़ मिलती है और मुझे लगता है कि यहाँ से बेहतर मिलती है और यहाँ से बेहतर प्राइस में मिलती है। चलिए डाइसो के अंदर चलते हैं, आपको करा देती हूँ शॉर्ट टूर। ये सबसे पहले यहाँ रहती हैं ये बास्केट और ट्रॉली, और यहाँ पे कर लीजिए सैनिटाइज। तो ये सारा गार्डन से रिलेटेड आइटम है। सामने देख लीजिए, ये खाद हैं, फर्टिलाइज हैं, पेड़ हैं, ये कुछ पेड़ हैं। प्राइस यहाँ मेंशन रहता है, ये है 330 का। इस तरीके से प्राइस भी मेंशन रहता है इनका। ये सारा यहाँ पर पेड़ है, बड़े अच्छे अच्छे भी हैं। पूरा गार्डन का, गार्डन से रिलेटेड सारे सामान है यहाँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ मिनी हैंड फैन है, ये कुछ वैरायटी है। और ये आप जानते क्या है, ये एक स्टैंड है साइकिल में, इस तरीके से लगा लीजिए ये रहा। और फिर आपके फैन लगाने का स्टैंड है, आपके फेस पे हवा आएगी। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ भी मिलती हैं। पट्टी कैप होती है, कैप के पीछे लगाने का कुछ कपड़ा टाइप्स है, पता नहीं क्यों बाल, हाँ आपके बाल ना उड़े इसलिए कैप के पीछे लगाने का ये कपड़ा है। कूल टावल बॉटल, इस बॉटल में आपकी जो टॉवल रहेगी वो ठंडी रहेगी, कूल। छोटा सा सेक्शन बच्चों के टॉय का, कॉमन टॉय है, अपने इंडिया में भी मिलते हैं। ऊपर भी सेक्शन है, यहाँ दो डब्बे आ गए। कुछ फूड भी है, जगह जगह पर सेम ही चीज़ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर उन्होंने लगाई हुई है। इधर है छोटा सा एक मैट का सेक्शन, कुशन मैट और ये डोर मैट टाइप्स मिलते हैं, छोटा सा एक सेक्शन है। तीन छोटी छोटी हर टाइप की बास्केट्स सामान रखने के लिए, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, छोटे छोटे कॉर्नर बने हुए लेकिन हर चीज़ के हैं। या कुछ बैग, डिफरेंट डिफरेंट मास्क, और मास्क में आजकल जो एक लटक रहा है ना, गर्ल्स बड़ा स्टाइलिश लगाती हैं डिज़ाइन वाला, मैंने देखा था, पता नहीं कहाँ है। इधर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इधर भी। ये सारे जो बैग्स हैं, एक कार्टून के बैग में, सॉरी पेपर बैग, पेपर का बैग है, खुलने पर ऐसा हो जाएगा, पेपर टाइप्स। इधर लाइटिंग का सामान है, कपड़े के बने हुए जो बैग्स होते हैं, कपड़े के बैग्स हैं, इस तरीके से सेट कर लीजिए आप।
यहाँ से पूरा सेक्शन बैग का है। वो जो ले रही है ना बंदी, वो भी बैग ही ले रही है। सारे बैग्स हैं, कपड़े के हैं, प्लास्टिक के हैं और पेपर के हैं। ये देखिए गाइस, बच्चों के लिए छोटे छोटे टेबल, सोफे, कबर्ड, कुछ एनिमल्स, मिनिएचर। कुछ फोटो फ्रेम्स का सेक्शन, पूरी लाइन में बॉक्सेस, यहाँ भी बॉक्सेस। मुझे बॉक्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। कुशन कवर, ये लेदर के भी ये कुशन कवर हैं। अगेन डब्बे, बॉक्सेस। इधर देखिए गाइस, ये हैं डोर मैट्स। कुछ मुझे ना ऐसा खास नहीं लगता, बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं ये। पेपर पेपर की बहुत चीज़ें होती हैं, मिनी कार्ड्स। ये पूरा पेपर कैनवलप्स हैं। इधर कुछ पेपर्स, डेकोरेटिव आइटम्स और ये रिबन। स्टोर काफी बड़ा है, ऊपर भी है। हाँ ये देखिए, दिखाने लायक है। इस तरीके के बैग मिलते हैं। ये बैग है गाइस, ये सारे जो है बैग है प्लास्टिक के। भी सारे बैग्स, बैग और डब्बे मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए भी बैग, बेसिक लाइन, ये सारा आगे तक बैगी का सेक्शन है। ये है सॉक्स का सेक्शन, कपड़े ही हैं। ठीक है गाइस, उधर से आ गई, कुछ मुझे खास नजर नहीं आया आपको दिखाने लायक। ये है जैपनीज बच्चों की ड्राइंग बुक, अंदर स्पेस स्टेशनरी का सामान है। ये पूरा सेक्शन मुझे वही लग रहा है, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। पेन, पेंसिल, मैंने बताया ना हर चीज़ जो भी घर में यूज़ होती है बच्चों में, वो सब मिलती है यहाँ। देखिए बेल्ट, सॉक्स, टाई, शर्ट, शर्ट भी मिल रही है। ये है टेप, घर में टेप भी यूज़ होते हैं। ए टू जेड जो भी आपके घर में यूज़ होता है वो सब यहाँ मिलता है। ये देखिए इधर पेन वगैरह हैं, ये डायरीज हैं, सारा फाइल का सेक्शन है। से वही फाइल एंड कॉपी, पेन, पेंसिल, इसी का सेक्शन। तीन चार सेक्शन तो इसी के हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज लगी, बुकमार्क है ये। किताब ऐसे कोई पढ़ता नहीं है आजकल। बच्चों की टॉय के सेक्शन, एक ये सेक्शन है टॉय का, फिर ये सेक्शन है पूरा टॉय का, फिर ये पूरा टॉय का सेक्शन है। फिर देखिए गाइस, थोड़ा कॉस्मेटिक है यहाँ पर, वही कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, रबर बैंड हैं, क्लचर्स हैं, वही बेसिक सी चीज़ें। ये देखिए गाइस, ये है हाइलाइटर, हाईलाइट बाल। पूरा सेक्शन क्लचर, रबर, वहाँ तक सारा हेयर एक्सेसरीज का है ये पूरा। जापान में ऊन भी मिलती है, ये सारा ऊन का सेक्शन है। ऊन है इधर की साइड, ये जानते हैं आप क्या है, ये पूरा स्विंग से रिलेटेड रील। देखिए रील का पैकेट, रील है, सुई है, सलाई है, बटन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये वही कपड़े वपड़े से रिलेटेड है सारा सामान। ये देखिए बटन है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट। एंड ये देखिए गाइस, ये है क्रोशिया सलाई, ये सिलाई है स्वेटर बुनने वाली, क्रोशिया है, फिर से ऊन,
इधर देखिए ये है सलाई सलाई यस गाइस सलाई जिसे स्वेटर बुनते हैं। गाइस मुझे एक डिफरेंट चीज दिखी, स्वेटर बुनने की मशीन जिसमें ऐसे फंसा के इस तरीके से बुन सकते हैं। ये देखिए इसमें फंसाइए और ऐसे बुनिए इस तरीके से चलता है। ये पता नहीं क्या है, फिश पकड़ने का है, लेकिन इस पर फिश बनी हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लगा तो दिखा दिया। क्या चीज़ है पता नहीं, लेकिन लोगों के घर में भी टंगा रहता है ये कुछ खास नहीं था, वैसे था, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। देखिए ये पूरी इस रूम में था, इधर पूरी रूम में भी सारे गिफ्ट आइटम होते हैं और कुछ घर से रिलेटेड होते हैं। इस पूरी रूम में थे सामान, इस पूरी रूम में था इधर पूरी रूम में कुछ ना कुछ इधर पूरी रूम में, मेरा मतलब ये कहने का है कि यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती हो, एक स्टोर में आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर कुछ अच्छा दिखा, दिखाने लायक दिखा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। जो सामान है वो गाइस मोस्टली किचन से रिलेटेड है, यहाँ आपको किचन का हर एक सामान मिलेगा, डिस्पोजल ऐसे बैग वैसे बैग बॉटल्स और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सामान मिलते हैं, काफ़ी कुछ है, वैरायटी बहुत है। एक्चुअली अभी खाली इसलिए पता है क्योंकि बारिश हो रही है और मैं आपको दिखाने के लिए बारिश में भी आ गई अम्ब्रेला लेके। हर चीज़ मिलती है यहाँ, कुछ क्रॉकरी जैपनीज क्रॉकरी काफ़ी फेमस होती हैं। स्टील का भी यहाँ मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैंगिंग हैं डोर पर वॉल पर, आप लगा के कुछ भी टंगा सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं। देखिए ओवन मिटन, ये चॉपस्टिक ये सारा इनका चॉपस्टिक का कॉर्नर है। साइड घर के प्लास्टिक के सामान हैं, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ क्या होता है पैन अलग से ख़रीदना पड़ता है, ये इधर पैन है और लिड अलग से परचेज करनी पड़ती है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की लिड है गाइस, ये देखिए छोटी ये बड़ी ये उससे बड़ी, और ये है पैन, पैन अलग से लेना है आपको और लिड अलग से परचेज करनी है। बहुत अच्छे अच्छे बर्तन मिलते हैं, डिफरेंट चीज मिनी हैंड इलेक्ट्रिक बीटर, सी ये बैटरी से चलता है, जो सेल होते हैं छोटे छोटे उससे चलता है, हैंडी है बहुत छोटा सा, बड़ा प्यारा लग रहा है। आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैं ये सॉक्स समझ रही थी राइट, आपको भी सॉक्स लग रहा होगा, लेकिन पता है ये सॉक्स नहीं है, टेबल के नीचे लगाने के स्टैंड है। इस तरीके से दिखाती हूँ, इस तरीके से आपकी टेबल होगी
उसके चारों नीचे चारों पैरों पे आप नीचे ये लगाएंगे। वियर्ड ना, बस इसी तरीके की काफ़ी चीज़ है, लेकिन टाइम शॉर्ट है, शॉपिंग बहुत करनी है इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ इस टाइप की होती है। देखिए मैं सॉक्स समझ रही थी लेकिन टेबल के नीचे लगाने के हैं। शॉपिंग तो मेरी हो गई गाइज, लेकिन शॉपिंग के साथ मैं शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। और देखिए ये सारी इसकी, ये देखिए सारी स्ट्रीट लाइट जलने लगी क्योंकि यहाँ बज गए हैं 5। जापान कितना खूबसूरत हो रखा है इस टाइम क्योंकि स्प्रिंग चल रहा है यहाँ। पूरी रोड वे वहाँ तक सुंदर सुंदर फूल। बस अब मैं घर निकलती हूँ, जब मैं सारी पैकिंग करूँगी तब मैं आपको गिफ्ट दिखाऊँगी, सारी गिफ्ट अरेंज करूँगी कौन सा गिफ्ट किसके लिए है, तब मैं आपको दिखाऊँगी मैंने गिफ्ट क्या क्या लिए हैं।